नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और इस वक्त डबवाली के तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ बीजेपी के जिला महामंत्री विजय वधवा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन और जैसे ही बीजेपी का पूरा चुनाव संपन्न हुआ था और जैसे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद हमारे साथ पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, डबवाली से किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, विजय वधवा जी जो कि जिला के महामंत्री हैं, सिरसा से वो नेतृत्व करते हैं पूरी बीजेपी का। जिन्होंने डबवाली की चर्चा के लिए, सिरसा जिला की समस्याओं के लिए मेरे से संपर्क किया, मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ तेज हरियाणा का। जब जब भी आपको किसी भी बीजेपी के बारे में, डबवाली की समस्याओं के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, कोई उसका हल निकलवाना है, किसी अफसर को कहना है, तो मैं हर समय हाजिर रहता हूँ, लोगों के लिए भी और पत्रकार बंधुओं के लिए। जी, अभी वधवा साहब हम शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की और मैं कोशिश करूँगा डबवाली के उन तमाम मुद्दों को छूने की जिसपे जनता उन तमाम सवालों के जवाब चाहती है, क्योंकि बीजेपी के नुमाइंदे हैं और पूरे सिरसा का नेतृत्व बीजेपी का करते हैं। वधवा साहब, कैसे लगता है किस तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है और इस गठबंधन की सरकार का डबवाली पर आप कितना असर मानते हैं? क्या वाकई में सब कुछ ठीक चल रहा है, बीजेपी ठीक है, सब कुछ ठीक है? गठबंधन सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बढ़िया तरीके से चल रही है। कोरोना महामारी की वजह से सारे वर्ल्ड की ये समस्या थी, देश भी उभर रहा है, हरियाणा भी उभर रहा है, सिरसा भी उभर रहा है, डबवाली भी उभर रही है। विकास कार्य डबवाली में आप भी देख रहे हैं, गलियां बननी स्टार्ट हो गई हैं, जो जो विकास कार्य रुके हुए थे प्रशासन भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और आगे जैसे जैसे इस बीमारी की वैक्सीन निकलेगी, लोगों की दिनचर्या नॉर्मल होगी, सारा वातावरण फिर से लोग अपने अपना काम धंधे में लगेंगे। विजय जी, सवाल मेरा ये है कि अभी आपने देखा होगा, सबसे पहले करंट मुद्दे पर बात करते हैं, जो डबवाली के लोगों के लिए बड़ी और नई उम्मीद है वो ये है कि डबवाली से ही कांग्रेस के विधायक कमित सिहाग ने सीएम साहब से मुलाकात कर एक डबवाली को जिला बनाए जाने की मांग की, तो कम से कम हांसी की तर्ज पर इसको पुलिस जिला तो जरूर बनाया जाए, क्योंकि नशे की शुष्क बंदरगाह के तौर पर तो तमाम नेता कई बार इसके आरोप लगा चुके हैं कि डबवाली उस तस्करी के मामले में उस निगाह पे दिखा जा रहा है। सब लोग भी एक मंच पर आकर सीएम साहब से, बीजेपी भी इस बात की बातचीत आगे बढ़ाएगी कि वाकई में डबवाली को जिला बनाया जाना चाहिए। अब तो उप मुख्यमंत्री भी यहीं से ग्रह उनका क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है और सीएम डबवाली को जिला बनाने की मांग बीजेपी ने पहले भी की थी। अगर डबवाली जिला बनता है तो बीजेपी के साथ साथ डबवाली का प्रत्येक कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रत्येक नागरिक है, उसको भी खुशी होगी। लेकिन एक जो समस्या है वो एक साइड पे कॉर्नर पे होने के कारण, और सिरसा जिला पहले से ही बहुत एक छोटा जिला है, पुलिस जिला की जो मांग है, हमने भी मुख्यमंत्री से, खुद मैं भी मिलके अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारी पूरी टीम मिलके, उन्होंने ये मांग रखी थी पुलिस जिले की, जो हांसी में एक अच्छे तरीके से पुलिस जिला चल रहा है। और ये कोई कांग्रेस की पार्टी की मांग है या कोई एमएलए ने रखी है, ये रिपीट है। और अगर बनता है तो इसका श्रेय कोई लेने की सोचे तो सोचे, लेकिन हमने भी डिमांड की है, जैसे आगे मुख्यमंत्री जी चाहेंगे और जैसे उनको कानून व्यवस्था के बारे में हमने बताया, अभी पिछले दिनों भी पहले भी 2 मर्डर हुए चौटाला में, अभी भी मर्डर हुए हैं, तो दोबारा से अगर पुलिस जिला बनता है तो डबवाली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर होगी। और हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से वो डबवाली की ये एक जायज मांग है उसको पूरा करें। मतलब बीजेपी भी इस बात को लेकर आगे मंथन करेगी और सरकार के पास ये इस मांग को रखेगी? नहीं, हमने ऑलरेडी रखी हुई है, हमने पहले से रखी हुई है और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है, शायद आने वाले दिनों में अच्छी खबर मिलेगी। सर, आप कह रहे हैं कि इसको रिपीट किया है, जेजेपी कह रही है कि ये कॉपी पेस्ट किया है विधायक ने, लेकिन वो नुमाइंदे हैं जनता के, उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए जनता के, सरकार के पास जनता की आवाज़ को ले जाने का काम किया है, तो मतलब बीजेपी इनिशिएटिव ले रही है कि जिला नहीं तो कम से कम पुलिस जिला जरूर बनना चाहिए। बिल्कुल, जिला नहीं तो पुलिस जिला तो जरूर बनना चाहिए। ठीक है, अभी सवाल ये उठता है सर कि जनता ये भी जानना चाहती है कि ठीक है, लॉकडाउन तो लगा, कोरोना काल है और अभी भी हम उसमें से निकल रहे हैं, क्या लगता है सर
बीजेपी भी कहीं लॉकडाउन में तो नहीं चली गई? डबवाली के बीजेपी के नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आते, आप भी जिला महामंत्री हैं सर, दूसरे नेता भी, क्योंकि चुनाव के वक्त में तो सभी ने देखा, लेकिन अब सर लॉकडाउन क्यों है बीजेपी का, कब बाहर आएगी? अब जनता बड़ी त्राहीमान है कि किस नुमाइंदे के पास जाएं, क्योंकि सबसे पहले कन्फ्यूजन यही है कि वो जेजेपी के पास जाए, बीजेपी के पास जाए या कांग्रेस के पास जाए, जाए तो जाए कहां पर? क्या एक एक मंच पर है बीजेपी डबवाली की, क्योंकि पहले से सवाल उठते रहे कि बीजेपी भी बंटाधार है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? बीजेपी लॉकडाउन में गई, लॉकडाउन में जिन परिस्थितियों में मैंने खुद बीजेपी की टीम को लेकर, और मैं तो इसके गवाह एसडीएम डबवाली, डीसी सिरसा, दो मल्ले जिनको कोई छूने के लिए तैयार नहीं था, हर्षनगर नाथ मल्ला और जो नाथों का जो नंदीशाला के पीछे नाथ मल्ला है जिसमें जोगी भाई रहते हैं, और सिंगलीगर जो जिस मल्ले में खाना देने के लिए कोई राजी नहीं था, टोटल के टोटल परिवार साक्षात आप वहाँ उनसे जाके मौके पे पूछिए, बीजेपी की टीम के पास सारा का सारा दायित्व था, एक भी आदमी को कोई परेशानी नहीं आने दी पूरे लॉकडाउन में। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बीजेपी के लॉकडाउन की या सभी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी पहले से कर गया है लॉकडाउन में, सभी पार्टियां का काम इस टाइप का था, लेकिन फिर भी वर्चुअल मीटिंग के तौर पर करके सिर्फ एक पार्टी मात्र देश की है और हरियाणा की है, और डबवाली में भी हमने प्रदेश से लेकर जिला से लेकर मंडल तक की मीटिंगें वर्चुअल मीटिंग करके बीजेपी ने अपनी सक्रियता दिखाई है, लेकिन ये मौका नहीं था लोगों को इकट्ठा करने का, और ना ही एडवाइस थी किसी भी तरह से सेंटर की सरकार की या हरियाणा प्रदेश की सरकार की, और ना ही लोग चाहते थे, ना ही कार्यकर्ताओं के लिए, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा था कि हम उनको इकट्ठा करके कोई मीटिंग करें, लॉकडाउन में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। बाकी सभी जेजेपी का आपने कहा, जेजेपी अपने ढंग से कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी सर एक सवाल है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शहर में काफ़ी प्रोटेस्ट तक की नौबत आई कि पहले वन वे किया गया, उसके बाद उसको हटवाने के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का अभी भी कोई बहुत बड़ा स्थायी हल नहीं निकल पाया, क्योंकि शहर में पार्किंग की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि शहर में पार्किंग ही नहीं है। इसमें मेरा सवाल ये है कि सीएम साहब ने खुद ही यहाँ पर जिए किसान रैली में घोषणा की थी कि डबवाली के बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जाएगा, लेकिन उन्हीं की खुद की घोषणा भी सिरे नहीं चढ़ पाई है, क्या मानते हैं कब तक इस और कदम उठाया जाएगा कि शहर को पार्किंग व्यवस्था मिल पाएगी, व्यापारी भाइयों को इस ट्रैफिक से निजात मिल पाएगी, और कब तक वन वे के नाम पर दुकानदार परेशान होंगे सर? जहाँ तक पार्किंग का सवाल है, एक पार्किंग मीना बाजार के आगे है, दूसरी बस स्टैंड रोड पे पार्किंग है, और बहुत हद तक मेन बाजार के पीछे वाले ही रोड और दोनों तरफ पीछे वाले साइड पे काफी हद तक पार्किंग है, लेकिन समस्या ये कोई नई समस्या नहीं है या 5 साल की समस्या नहीं है, शहर बढ़ता गया, पार्किंग की समस्या है। जो बस स्टैंड रोड को चौड़ा करने की बात है, मुख्यमंत्री जी ने खुद हमारे से भी चर्चा की, बीजेपी के और मिलने, कुछ टेक्निकल समस्याएं ऐसी हैं जी, उसमें कोई एक तो पंप है, उसमें कुछ मंदिर है, एक मंदिर है, एक मजार है, और कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं कि वो टेक्निकली वो चोरी होने में कुछ दिखते हैं, और उसी कार्यकर्ताओं की अगर वो चोरी हो सकती होगी तो जितने भी समस्याएं आई हैं या जितने भी दिखते हैं इसमें, हम उसको दूर को अगर वो दिखते दूर हो सकी प्रैक्टिकली हुई तो अभी भी हम ये नहीं कहते रोड चौड़ी नहीं होगी, ठीक है, रोड चौड़ी होगी और कोशिश करेंगे ये रोड चौड़ी हो और लोगों को इसमें इस समस्या से निजात मिले। अभी वधवा साहब एक बहुत पुरानी मांग है शहर की सब्जी मंडी को लेकर, हालांकि इसकी भी सीएम साहब क्लिक करके उद्घाटन कर चुके हैं इसका, लेकिन इसी सब्जी मंडी के बाद रेहड़ी वालों को भी परेशानी है, रेहड़ियों का कोई स्थान निर्धारित नहीं हो पाया और उन्हें भी दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है और चालान तक उनको कटवाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल आती है। सब्जी मंडी का कब तक स्थायीकरण होगा, कब तक उस भीड़ भाड़ वाले स्थान पर सब्जी मंडी ना होके वो तो कचरे की मंडी है सर, और कब तक स्थायी हल निकलेगा उसका? मार्केट कमेटी के अंडर है ये सब्जी मंडी, और जो रेहड़ियों की व्यवस्था म्यूनिसिपल कमेटी ने जो पुल है उसके
जो अंडरपास के पास इनको जगह दी गई थी, बिल्कुल प्रशासन ने बात करके सब्जी मंडी के आगे जितनी रेड़ियां लगी हुई थी सारा अस्त व्यस्त किया हुआ था। उसमें मैं ये कहूँ भी रेड़ी वाले ठीक थे या दुकानदार ठीक हैं, मैं नहीं कहूँगा इस बारे में। रेड़ी वालों को उचित स्थान दिया गया था, अब जाना रेड़ी वालों ने है उस जगह पे। सिरसा में ये प्रयोग बिल्कुल सफल हो रहा है, तो फाइनल हो ही पड़ी है ये समस्या। ये जो सारा सिस्टम है ये जल्दी ही आपको अच्छी खबर मिलेगी, सब्जी मंडी शिफ्ट होने की। सर एक सवाल है, शहर में आपने देखा होगा अभी बारिश ने हमें एक डेमो दिखाया कि किस तरीके से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। अगर एक और बारिश बहुत ज़बरदस्त आती है, किस्ती का प्रबंध है सर शहर में जाने आने जाने के लिए? हमने बठिंडा को देखा किस तरीके से लोग, सरकार का आप सब लोगों का, कि शहर के लोगों को कम से कम डूबना ना पड़े। आपने देखा होगा बहुत सारे शहर में तो लॉकडाउन था सर बारिश के वक्त में। मैं किसी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डब वाले की जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कॉलोनी रोड का जो सीवर मैंने पर्सनल तौर पर डलवाया, और वो ऐसा सीवर था जो सीवर उनका लेबल राइट से लेफ्ट आ रहा था, लेफ्ट से राइट करवाया उसको, पूरी सड़क उसके लिए खुदाई करवाई गई और काफी पैसा उस पर लगा। और एक अपवाद स्वरूप, ठीक है, बठिंडा की आपने बात की, गदड़वा पंजाब की मंडियां लगा लो, इलाहाबाद सरसा राणिया कालां वाली सारे इलाके की मंडियों से सबसे बढ़िया अगर सीवर की व्यवस्था है तो डब वाली की व्यवस्था है। अगर एक घंटे में डेढ़ घंटे में 60 mm 70 mm 100 mm बारिश आ जाएगी, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन दिन रात एक करके जो भी पानी जहां से निकलवाया, मैं फिर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रशंसा करूंगा। जहां तक आपने नाव की बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक दो घंटे पहली बार हुआ है डबली में, शाम तक 5:30 बजे तक मैंने खुद 80% पानी निकल गया था शहर में। ठीक है, नीचे एरिए हैं वो कुदरती तौर पे है, वो जो भी एरिया है पब्लिक क्लब का एरिया है उसमें टाइम लगता है, वो बिल्कुल लास्ट एरिया आ जाता है। अब फिर भी कोशिश होगी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैं एक दो आपने मेरी नॉलेज में करवाया, मैं एक्शन साहब से जाके मिलूंगा, आगे वाली बारिश में ये चीजें ना हो उसके लिए हम क्या प्रबंध कर सकते हैं, हम वो प्रबंध करेंगे। और अगली बार आशा है जिस दिन बारिश आएगी मैं आपको फोन करूंगा, तनु जी देखेंगे तो ये चीज है, आपने पिछली बार मेरे को दिखाया था, अगली बार ये बारिश में ये चीज नहीं होनी चाहिए और डब वाली वालों को ऐसा दोबारा ना भुगतना पड़े। सर सवाल है, बीजेपी बात करती है विकास की, बहुत बड़े स्तर पर विकास हो रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन डवाली की सड़कें खड्डा मुक्त क्यों नहीं हो रही सर? बार बार गड्ढों से गुजरना पड़ता है, आप कॉलोनी रोड की बात करें, बस स्टैंड रोड की बात करें, आप अनाज मंडी रोड की बाहर की साइड की बात करते हैं, आप चाहे नई सब्जी मंडी बनी उसका जिक्र करें आप चाहे, अब क्या वजह है सर? गलियों का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, कब तक ये कह सकेंगे हम दावे के साथ कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं डवाली की? लास्ट 2 सालों में मैं आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट, अगर मैं सड़कें गिनवाने लग जाऊं इस रोड से उस रोड की, नई अनाज मंडी रोड की, कॉलोनी रोड के एरिया की, अग्रवाल जो एरिया है, जो 1, 2, 3, 4 वार्ड हैं उसमें जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, मैं डिटेल में जाने लगूंगा तो, और 21 वार्ड की, उत्तम नगर की, फिर तो ये सारा इंटरव्यू मेरी सड़कों पर गिनाते गिनाते खत्म हो जाएगा, इतनी सड़कें बनी हैं। जब तक 2 साल में जितनी डबवली में सड़कें बनी हैं और 80 mm 60 mm से 80 mm की जो सिर्फ टाइलें लगी हैं डबवली में और जो उनका स्तर है सामग्री का, और उसके बाद अप्रिशिएट करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है डबवली के इतिहास में 80 mm की टाइल जो लगी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सुझाव से, उसमें चाहे देरी लगी लेकिन आज जितने भी डबवली के वासी हैं, जिन मल्लों में वो लगी है वो सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो किसी चीज़ के लिए 60 mm से 80 mm करवानी है, कुछ देरी लगी, कुछ DC साहब से परमिशन थी, कुछ अभी भी रामबाग की जो सड़क बन रही है अभी भी आप मौके पर जाके देख सकते हैं, सभी टेंडर हो चुके हैं, जो आपने बाहर नई सब्जी मंडी की बात की है वो भी टेंडर हो चुके हैं, और टेंडर
कम से कम 4,80,00,000 रुपए के टेंडर अभी ड्यू है, 2-4 दिन में वो खुलने हैं। बहुत बड़ा काम जो डबवाली का रामबाग के साथ अंडर ब्रिज है वो बनके तैयार है। उसके साथ एक जो उसका नाम मैं भूल गया, 2,82,00,000 का जो टेंडर हुआ है अभी पीछे, जो एक्सटेंड हो गया था वो भी दोबारा टेंडर हो गया है। डबवाली की जितना भी जो गाद है, कूड़ा करकट है, उसको समयोजित करके, उसको क्लियर करके बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से, उसका मेरे को नाम नहीं मालूम, कचरा निष्पादन के, हाँ, रामबाग के पास कचरा निष्पादन का वो बहुत बढ़िया ढंग से, वो भी आपका टेंडर जल्दी खुल जाएगा और डबवाली को इस समस्या से भी निजात मिले। लेकिन सवाल सर इसी के ऊपर मेरा ये है कि डबवाली लावारिश क्यों नजर आती है, कि टेंडरों की प्रक्रिया में भी लंबा वक्त है, कि फाइलें बार बार घूमती है, और आपने देखा, आपने जिस टेंडर का जिक्र किया वो इतने लंबे समय तक लगने के बाद, रेट अप्रूवल के बाद वो टेंडर कैंसिल हो जाता है, जो कि 3 करोड़ से ऊपर का था, जिसमें कुल मिलाकर 4,80,00,000 का वो टेंडर था, वो कैंसिल होने के बाद उसको दोबारा लगाया जाता है। अभी वो टेंडर कॉल होगा, ओपन होगा, उसके बाद फिर से रेट अप्रूवल होगी, आगे का पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेंडर हैं सर जो अभी भी आपने देखा होगा, लड्डू बांटने के बाद काम तक नहीं होते। आप जिस रोड का जिक्र कर रहे हैं अनाज मंडी पर, कितने सालों तक लोगों को प्रोटेस्ट करके ही अपनी मांगे मनवानी पड़ती है, ऐसा कैसा इतिहास है डबवाली का सर? पहले वो सीसी सड़क थी, मार्केटिंग बोर्ड कह रहे थे हमारी सड़क है, म्यूनिसिपल कमेटी कह रही थी हमारी सड़क है, इस चक्कर में काफी टाइम लग गया। उसके बाद जो रोड बनी है, आपने भी देखी होगी, उसकी जो क्वालिटी बनी है, देर लगी बनने में, लेकिन उसपे ऊपर इतने बड़े बड़े ट्राले चलते हैं जिसपे लोडिंग माल होता है, और एक भी टाइल हिली नहीं है पुन्नू जी, एक साल से ज्यादा हो गया सड़क बनी हुई। तो क्वालिटी में अगर देखो, ये अफसर सही का काम है, हमारा ये काम नहीं है, टेंडर लगना है क्या कैसे लगना है, हम ना कोई ठेकेदार हैं, हम एक सामान्य से कार्यकर्ता हैं। ये जो ठेकेदारी का काम है, या जो सरकार में रहते हुए जिनके पार्षद भी ठेकेदारी करते हैं, जिनका सारा अपना ध्यान कमाने में लगा रहता है, हम उन कार्यकर्ताओं में से नहीं है, हम सेवा करने वाले, ये काम अफसरों का है और ठेकेदारों का क्या काम है, जो भी वो काम कर रहे हैं, टेंडर की जो प्रक्रिया है अगर वो सही होगी तो ठीक है, नहीं तो अफसर भी भुगतेंगे। सर आपको याद होगा, हम भी वहीं थे जब छोटी सरकार गिरी और बीजेपी ने लड्डू बांटे वहां पर। सर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगले 2 महीने में डबवाली में विकास चमकेगा, कितना परसेंट मानते हैं विकास वो चमक गया जो आपने कहा था? वो लगता है आपको विकास हो गया 2 महीने के बाद की स्टेटमेंट में? मेरी स्टेटमेंट वो आज भी निकाल लो, इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको लेके चलूंगा जहाँ जहाँ गलियां बनी हैं, जहाँ जहाँ गलियां बन रही हैं, जहाँ जहाँ टेंडर हुए हैं। एक सिर्फ बहुत बड़ा काम जो लाइट का है, जो काम पूरा नहीं हो पाया, आपने वो जिक्र नहीं किया, मैं फिर भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसी सवाल पे आने वाला था। आपने जिक्र, अभी उसमें उम्मीदें हैं कि लाइट का टेंडर 4 करोड़ का टेंडर है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, बीजेपी को 51,000 वोट मिला है, कोई बीजेपी को कम वोट नहीं मिला है, दुर्भाग्यवश डबवाली की सीट हम जीत नहीं पाए। मैं आप आगे भी आपको कह रहा हूँ, इस बार म्यूनिसिपल कमेटी के जो चुनाव होंगे, जो लोगों की अपेक्षा थी कांग्रेस से या उनके पार्षदों से, वो पूरी नहीं कर पाए वो, ठीक है। हमारा अभी भी हमारे को डबवाली में ना हमारा पार्षदों का कोई टोला है, ना हमारे पास MLA है, एक MP है हमारा सिरसा का जो, लेकिन हमारी टीम हर काम में, कोई भी टेंडर हो, कोई भी समस्या हो डबवाली की, हम जी जान लगाते थे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको करने के लिए, हर बार की तरह इस बार भी हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आने में कुछ ज्यादा देरी नहीं है, जो काम अच्छा करेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम अच्छा करेगा तो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता काम अच्छा करेगा तो लोग उसको करेंगे। अभी सर पूरे सिरसा जिले को एक तोहफा मिला है, वो है मेडिकल कॉलेज का, लेकिन डबवाली की वो मांग थी यहीं के लिए अनाउंस था, लेकिन वो सिरसा को मिला है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं सिरसा जिला के लिए, लेकिन डबवाली के लिए भी कोई सर उम्मीद कर सकते हैं किसी और छोटे तोहफे की? सिरसा से जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है,
चौरी देवलियल यूनिवर्सिटी के सामने मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अगर सरसा के लोगों ने आना हो उस मेडिकल कॉलेज में तो उनको 20 मिनट लगेंगे वहाँ पहुँचने में। बिल्कुल, अगर डब वाली के किसी भी मरीज को वहाँ जरूरत पड़े तो 30 मिनट में वहाँ पहुँचेगा। एक ऐसी इलाहाबाद को भी देखा गया है, रानिया को भी देखा गया है, कालांवाली को भी देखा गया है, एक ऐसी जगह का चयन किया गया वो सरसा का मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो जिले का मेडिकल कॉलेज है। और उसमें कहना भी ये सरसा में बन गया, डबवाली में बन गया, डबवाली में अगर वो मेडिकल कॉलेज बनता तो उसके साथ हमारे लिए एक बहुत बड़ा एम्स बठिंडा में 20 किलोमीटर यहाँ से दूर। अब डबवाली के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, किसी ने एम्स में जाना है तो सरसा रोड बठिंडा रोड पकड़े, अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज जाना है तो सरसा रोड पकड़े। अगर बहुत बड़ा 100 बिस्तर का अस्पताल, और पहली बार जो है ये हुआ है ओपीडी, 200 लोगों से 300 लोगों की ओपीडी, सारा का सारा लॉकडाउन, जितनी भी डिलीवरी इस सिविल हॉस्पिटल ने की और नॉर्मल डिलीवरी, और जो डॉक्टरों की टीम ने दिन रात एक करके कोरोना के महामारी के बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, मैं अप्रिशिएट करूंगा इन डॉक्टरों की टीम को भी जिन्होंने इस विपरीत परिस्थितियों में भी डबवाली के लिए बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल सर, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि हमारे तमाम कोरोना योद्धा है जिन्होंने संकट के दौर में भी हमारा साथ दिया है। आखिरी सवाल पर चर्चा कर लेते हैं सर, डबवाली के दाएं भी लड्डू है बाएं भी लड्डू है, लेकिन डबवाली की थाली में लड्डू कब गिरेगा? आप बात जिक्र करते हैं जब सीएम साहब यहीं पे आए थे, 5 साल का हमने पूरा उनका देखी इनिंग और अगली इनिंग चल रही है जो कि गठबंधन की है। शहर की सबसे पुरानी मांग डबवाली की है कि यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। सीएम साहब जब जब आए उन्होंने कहा कि मेरी निगाह में है डबवाली, लेकिन डबवाली अपना एमएलए नहीं दे पाया बीजेपी को। क्या लगता है, किन्नू वैक्सीन प्लांट कांग्रेस ने दिया लेकिन अब तक वो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से शोपीस बनकर रह गया, लेकिन डबवाली को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, यहाँ का जीप मार्केट है उसको भी हम अगर मार्क करवा देते हैं तो बहुत बड़ा उद्योग यहाँ पे प्रफुल्लित हो सकता है। जूती हमारी यहाँ की एक्सपोर्ट होती है वो भी अभी तक हमारा वो उद्योग प्रफुल्लित नहीं हो पाया। क्या इस ओर भी ध्यान है सर बीजेपी का कि कम से कम इसे एक औद्योगिक दृष्टि से ही हब बनाया जा सकता है? अगर दाएं बाएं लड्डू है तो यहाँ पे भी उस लड्डू का कुछ हिस्सा मिलता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा सर। औद्योगिक दृष्टि से ये जो एरिया है इसमें जीप की जो मार्केट की जो बहुत बड़ी उपलब्धि, छोटे छोटे पूरी एशिया की पहचान, हाँ, दुकानदारों ने, छोटे छोटे मिस्त्रियों ने एक बहुत बड़ी पहचान जीप मार्केट के रूप में डबवाली को दी है। निसंदेह उनको अगर या जीप हब या ऐसी कोई मार्केट, हम पहले भी हमने डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री जी के ये नोटिस में है, लेकिन अब आप किन्नू की जो बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक फ्रूट का जो इसको बोलते हैं वैक्सिंग प्लांट है सर, हाँ वैक्सिंग प्लांट, और जो हब बनने के लिए हमने लिखा है जो इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट का जो बहुत बड़ी एक मंडी यहाँ स्थापित की जाए जिसके मार्केटिंग साथ मार्केटिंग के तौर पर मार्केटिंग हब, हाँ हाँ, फूड प्रोसेसिंग के लिए जो बोलते हैं, हाँ पार्क होता है वो, पार्क टाइप की एक फूड प्रोसेसिंग पार्क, वो अगर यहाँ बन जाता है जो मुख्यमंत्री को हमने नॉलेज में करवाया हुआ है, उसके साथ साथ हमने यहाँ जो 32 एकड़ जमीन पड़ी है शेरगढ़ में, हमने कहा था यहाँ 32 एकड़ की जमीन के साथ और जमीन अक्वायर करके शेरगढ़ कभी नवोदया का खुलना था, हाँ जहाँ कभी नवोदया का खुलना था वहाँ एक धागा मिल जो यहाँ का कॉटन बेल्ट ऑलरेडी है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने वो बात हमारी सुनी, बड़ी ध्यान से सुनी, और आने वाले देखो ये जो पिछले 6 महीने गए हैं उसके लिए तो महामारी से अगर हरियाणा में निपटा है और बहुत बढ़िया तरीके से अगर किसी ने काम किया है कोरोना में विपरीत परिस्थितियों में, मनोहर लाल जी ने 18-18, 20-20 घंटे काम करके, अगर हरियाणा में अगर आज सिर्फ 3-4 जिलों में, वो भी सिर्फ NCR के जिले हैं और वो दिल्ली कह सकते हैं, हम उनको हरियाणा नहीं कह सकते, कोरोना का बाकी सारे जिलों में अगर आप देखोगे तो वो पूरा कंट्रोल में रहा और उसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा और उनकी पूरी टीम को जाता है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम किया जाता है वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया।
बिल्कुल सर, आपने वक्त निकाला और जाते जाते सवाल पूछ लेता हूँ। अब तो बीजेपी एक्टिव नजर आएगी सर, अगर जन संवाद नहीं कर सकते आप, जनता के बीच में नहीं जा सकते, तो कम से कम कम्युनिकेशन तौर पर और फाइलों की पुटअप तो हो ही सकता है सर, किन किन मुद्दों पर, शहर के जो ऐसे मुद्दे हैं जो अभी लटके हुए हैं ऑफिसर के चक्कर में, या तो ऑफिसर नहीं है यहाँ पर, वो अगर है तो वो फाइलें आगे तक नहीं जाती, डीसी दरबार में भी रुक जाती हैं सर फाइलें। गुरविंदर जी, आपने जो मुद्दे नहीं उठाए, मैं वो भी उठाने के लिए कह रहा हूँ। बहुत बड़ा काम है, 500 दुकानें, ये जो जिस दुकान पे आप बैठे हैं ये भी म्यूनिसिपल कमेटी की दुकान है, ये भी सीएम साहब ने बोला था। हाँ, ये रखा था। आप, मैंने भी बुलवाया था, आपने इसमें चर्चा नहीं की। आपने जाते जाते मैं आपको ये भी बात बता दूं, अच्छी बात है सर, ये भी आप खुशखबरी दे दो लोगों के लिए कि अपडेट है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जल्दी ही खुशखबरी, मेरी मुख्यमंत्री जी से खुद बात हुई है, वो जल्दी ही इस दुकानों की रजिस्ट्री होगी। बड़े और मुद्दे हैं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, मेरे साथ साथ पूरी टीम लगी हुई है, और लॉकडाउन में भी पूरी टीम लगी हुई थी शहर के लिए। बच्चा बच्चा जानता है शहर को लॉकडाउन में कौन काम आया मूविंग के लिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे को ऑफिसर लाबी ने भी कहा भी आप थोड़ा ज्यादा लोगों के लिए, मैंने कहा भी जिसी का दुख सुख है, अगर हम आज लोगों के काम नहीं आ सकते मूविंग पास के लिए भी, दिन रात कोई भी 11 सुबह 5 बजे से लगते थे हम, रात को 11 बजे तक भी लोगों ने जब तक मेरे से आके कहा भी हमारे को बहुत जरूरी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हमारे दुख सुख है, तो उसके लिए भी हमने रात को 11 बजे भी मूविंग पास उपलब्ध करवाए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा काम था, और शेरा हम नहीं लेना चाहते, दुख की घड़ी में काम आना, ये हम शेरा नहीं चाहते इसका, लेकिन दुख की घड़ी में हम किसी के काम आए, मेडिकल इमरजेंसी के किसी में काम आए, भगवान ने हमारे को इस कार्य के लिए चुना, तो हम उसके लिए भी अपना प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे जो इस मुश्किल टाइम में हमारे को सतबुद्धि दी भी आप लोगों के काम आइए। तो मैं तो आपके साथ साथ प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ, जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम आगे भी डबवली के लिए और सिरसा जिला के लिए काम करते हैं। चलिए विजय भद्वा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे जिला के महामंत्री विजय भद्वा जी, और डबवली के तमाम मुद्दों पर निसंकोच उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन मैंने भी कोशिश की है कि उन तमाम बड़े मुद्दों को चर्चा की जाए जिन पर लोग सवालों के जवाब चाहते हैं। अगले सेगमेंट में मैं फिर से कुछ आपके सवाल जो होंगे, कुछ ऐसे सवाल जो मुझे फिर मिलेंगे, उनको लेकर बीजेपी को हम फिर कटघरे में लेकर आएंगे और सवालों के जवाब मांगेंगे। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवली।